अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन स्टूडियो। किचन स्टूडियो हाजिर है आज एक न्यू शेफ़ के साथ, जो आपके लिए लाया है एक मज़ेदार सा केक, जिसे आप सिंपल प्लेन केक भी कह सकते हैं या फिर वनीला केक भी कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके सामने है, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम्स बटर, 1 कप मैदा लिया जिसके अंदर 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के मैंने सिफ्ट कर लिया अच्छे से, 1 कप शुगर है और कम से कम 4 से 5 अंडे इसमें डालेंगे। उसके अलावा 3 से 4 ड्रॉप्स हमारे वनीला एसेंस के डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने केक को। सबसे पहले हम बटर को बीट करेंगे। ब्लू बैंड का 100 ग्राम बटर यूज़ किया, उसके लिए 1 कप मैदा और 1 कप चीनी डलेगी 100 ग्राम में। तो अगर आपने कभी ज़्यादा बनाना हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वांटिटी को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बटर को बीट करेंगे। बटर है जिसको हमने बीट किया, वो इस तरह का क्रीमी सा हो गया। इसके अंदर अब हम 1 कप चीनी जो हमने पीस के रखी हुई है उसको कर लेंगे। ग्रेजुअली ऐड करेंगे इसको हम और साथ साथ बीट करते जाएंगे। तो कम से कम हमें 7 to 8 मिनट्स बीट करना है। यह हमारी इसमें चीनी भी बीट हो चुकी है। अब हम इसमें एक एक करके अंडा डालेंगे। अंडा कभी भी डायरेक्ट आप इसमें नहीं डालिएगा, क्योंकि कभी अंडा ख़राब भी आ जाता है, इस तरह पूरा मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। डाल के भी हमने बीट कर लिया है, तो ये इस तरह लिक्विडी सा बन गया। तो मैंने 4 अंडे अभी डाले हैं, मुझे काफ़ी लग रहा है, तो मैं अब पहले जो है अपना मैदे वाला मिक्सर डालूंगी इसमें। तो अगर मुझे लगा कि उसके डालने के बाद थिक हो गए तो हम अपना 5th egg भी यूज़ कर लेंगे। तो अगर नहीं तो आई थिंक 4 जो है इनफ होंगे। उसको बीट करने के बाद हम कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल के बीट करेंगे। तो हम सबसे पहले अब डालते हैं इसमें मैदा, उसको भी आपने ग्रेजुअली ऐड करना, एकदम सारा नहीं करना। आप देख सकते हैं मैंने इसमें सारा मैदा डाल दिया है, तो ये काफ़ी थोड़ा थिक सा लग रहा है, ये देखिए। तो मुझे लग रहा है इसमें हम एक और अंडा ऐड कर देते हैं। अब देखें ज़रा फ्लफी सा हो गया, ये ज़बरदस्त मिक्सचर रेडी हो गया। जब आपका पूरा मिक्सचर रेडी हो जाए तो उसके बाद एंड पे आपने वनीला एसेंस डालना होता है। तो हम ये कुछ ड्रॉप्स या लाइक आप 1/2 टीस्पून कह सकते हैं वनीला एसेंस हम इसमें डाल दें और अब इसको बीट करेंगे। देख सकते हैं हमारा ज़बरदस्त सा बैटर रेडी हो गया है। तो केक का जो ये मिक्सचर है आप 7 to 8 इंची पैन में बेक कर सकते हैं, या फिर आप कप केक्स भी बना सकते हैं। तो मैंने आज यही सोचा है कि इनका कप केक्स बनाती हूँ मैं इस बैटर का। तो इसके लिए ये सारे प्रोसीजर में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, और आपने ओवन भी अपना 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीट करना होता है। तो जैसे ही मैंने ये बनाना स्टार्ट किया था, मैंने ओवन को ऑन कर दिया था, तो अब तक रेडी हो चुका होगा। अब हम इसको कपकेक्स बनाने के लिए इनको मैं कप्स में ऐड करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आपने कैसे इनको बेक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये ट्रे में अपने कप्स जो हैं रेडी रखे हुए हैं, अब इनको मैं फिल करूँगी। तो आप देख लें कि किसी तरह किस तरह आप जो है अपने
कप को फिल कर सकते हैं। मैंने टेबल स्पून लिया हुआ है और दो दो टेबल स्पून इसमें भर भर के डाल दूंगी। पहले मैं इनको इस तरह फिल कर लेती हूँ सबको। ओवन हमारा ऑलरेडी गर्म है, मैंने उसको पहले से ऑन कर लिया था। ये गैस ओवन में मैं करूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन है तो उसको प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अपने पैन में या कप्स में डाल के आप जो है उसको डायरेक्ट रख देंगे 120 पे ऑन कर देंगे। जो ओवन है वो मैंने 150 पे प्री हीट करने पे लगाया हुआ, 150 ही पे ये बेक होंगे। इसी तरह मैं अपने सारे कप्स फिल कर लेती हूँ। फोर्टी मिनट्स में ये बेक होते हैं तो हम इनको अब थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो जी आप देख सकते हैं हमारे ज़बरदस्त से केक तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ओवन को करते हैं बंद। और ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे केक रेडी हो चुके हैं। जी हमारे कप केक्स रेडी हो चुके हैं, मैंने इन्हें ओवन से बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से ये रेडी हो चुके हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, आप इसको ट्राई करें अपने घर में और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे लगे। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो इसे काइंडली सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें इस वीडियो को और इस चैनल को। आप किचन स्टूडियो को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।